Hello friends, welcome back to our channel. This is Sajal from Civil Center. तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जिस टॉपिक पे बहुत ही ज़्यादा जो क्लाइंट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, जो लोग मूव करना चाहते हैं, वो लोग बहुत फोकस्ड होते हैं. वो टॉपिक है हमारा कि हम लोग अपने बिल्डिंग का जो कॉस्ट है वो कैसे रिड्यूस करेंगे. तो हम लोग इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली जो टॉपिक है इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि इस तीन पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये लोग, ये चीज़ भी हम बताएंगे आपको. बेसिकली इसको तीन पार्ट में डिवाइड करने का रीज़न ये है क्योंकि ये तीन प्रोसेस हैं. देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसके तीन ही प्रोसेस हो सकते हैं. पहला फेज क्या है, आप उसका प्लानिंग, जो आपका प्लान बनेगा, आर्किटेक्चर प्लान, स्ट्रक्चर प्लान, फिर कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग. उसके बाद आपका आता है कंस्ट्रक्शन, जो एक्टिविटी है जिसे हमें कंडक्ट कराना है. और तीसरा फेज जो है कि बनने के बाद उसको यूटिलाइज करना है, मतलब उसको यूज़ करना है. तो आपके तीन फेज़ हैं. पहला फेज़ जो है हमारा प्लानिंग फेज़ है, दूसरा फेज़ कंस्ट्रक्शन फेज़ है, और तीसरा फेज़ जो है वो यूटिलाइजेशन फेज़ है. तो इन तीन फेज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए हम लोग पहले फेज़ की तरफ मूव करते हैं. तो पहला फेज़ जो है हमारा वो है प्लानिंग फेज़. तो प्लानिंग फेज़ में एग्जैक्टली क्या होता है कि हम लोगों का 8 थिंग्स हैं जिनको हम ध्यान रख सकते हैं जिससे हमारा कॉस्ट जो है रिड्यूस हो सकता है. तो वो पहला चीज़ क्या है, चलिए जानते हैं. तो पहला चीज़ जो है वो है हमारा आपका कि जो चीज़ हम बनाने वाले हैं या जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं उसके बारे में क्लियर होना कि एग्जैक्टली क्या हम लोग प्लान को बनाना चाहते हैं, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये क्लियर होना चाहिए. और ये करना चाहते हैं तो वो बिल्डिंग जो है वो कैसा होना चाहिए वो आपको चूज़ करना है, या तो फिर आप अपने कंसल्टेंट के ऊपर रख सकते हैं. बट यदि आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से हो तो आपको चूज़ करना होगा पहले ही, कंसल्टेंट के जाने से पहले ही आपको थोड़ा रिसर्च करना तो होगा. तो ये रिसर्च क्यों करना है, देखिए आप लोग यदि एक बिल्डिंग के ऊपर 50-60 लाख एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब अपने जो आपने अपनी खून पसीने के मेहनत से जो 60 लाख रुपीज़ अर्न किया है लाइफ में, या कुछ लोग तो लोन से बनाते हैं तो और भी उनको पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ही पे करना पड़ता है. 60 लाख का घर बना रहे हैं तो उनको 90 लाख पे करना है. तो आप सोचिए यदि आप उतना रुपये कहीं पर एक्सपेंड यदि उतना रुपये आप कहीं एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपको ये तो बनता है कि आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें. क्योंकि जब आप मार्केट जाते हैं, जनरल मार्केट जाते हैं, तो वहाँ पे आप जब कोई सब्जी खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं वहाँ पे एक एक रुपये का आप बार्गेनिंग करते हैं, और यहाँ पे 60 लाख का बात है तो आपको थोड़ा रिसर्च तो बनता है. और यदि आप नहीं चाहते हैं तो ये काम आप अपने कंसल्टेंट से भी करा सकते हैं. बट आपको क्या करना होगा कि कंसल्टेंट को हायर कर लेना होगा, मतलब आप उसे टेस्ट मत लीजिए. आपको उसको बोल देना होगा कि आपका प्रोजेक्ट ये आपको ही मिलेगा, आप मेरे लिए ये रिसर्च करके दीजिए, मुझे ये रिसर्च पहले चाहिए, आफ्टर डैट मैं प्लानिंग या डिज़ाइनिंग के ऊपर मूव करूँगा. तो चलिए सेकेंड पॉइंट को देखते हैं. सेकेंड पॉइंट बहुत ही इजी है और बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है. इजी क्यों है और डिफ़िकल्ट क्यों है ये पॉइंट जानने के बाद देखते हैं. तो पॉइंट टू क्या है आपका कि आप लोग बेस्ट कंसल्टेंट चुनिए. अरे भाई, मार्केट में इतने लोग अवेलेबल हैं, हम लोग बेस्ट कैसे ढूंढेंगे, कौन बेस्ट है कौन बताएगा. देखिए, बेस्ट वो नहीं है जो सबके लिए बेस्ट है, बेस्ट वो है जो आपके लिए बेस्ट है, जो आप चाहते हैं, आपके ड्रीम को जो आप सोच रहे हैं उसको वो आपके पेपर पे लेके आ जाए, जो आप सोचना चाहते हैं, जो आप सोच रहे थे, आप अपने ड्रीम में देख रहे थे कि मेरा घर जो है वो ऐसा होना चाहिए, मतलब वहाँ का जो व्यू होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, उसका एलिवेशन ऐसा दिखना चाहिए. तो जैसा आप सोच रहे हैं उसको वो क्या करे, पेन और पेपर पे लेके आ जाए और एक डायमेंशंस के साथ शेप दे दे, तो वही आपके लिए बेस्ट कंसल्टेंट है. तो इसके लिए आपको कुछ टेस्ट भी करने पड़ सकते हैं. जैसे मान लीजिए आप रफ स्केच लीजिए, 4-5 कंसल्टेंट से आप रफ स्केच ले सकते हैं जिसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है. यदि आप किसी से कॉन्सेप्चुअल, आपका मीटिंग चार्ज केवल लगता है कि आप किसी भी कंसल्टेंट से मिल रहे हैं तो उसका मीटिंग चार्ज लगेगा. जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका कंसल्टेंसी चार्ज लगता है, आप दवा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं ये आपके ऊपर है, बट आप कंसल्ट करके आए तो उसका चार्ज पे किया तो मिनिमल होता है. और बहुत जगह पे हायर चार्जेस भी होते हैं तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है. आप क्या करिए, आप अपने सिटी के टॉप 5 को छोड़ दिए, टॉप 3 को छोड़ दिए, उसके नीचे जितने कंसल्टेंट हैं उनसे आप जाके मिलिए और उनसे कॉन्सेप्चुअल प्लान लीजिए, नॉट ड्राफ्ट,
फुल ड्राफ्ट आप मत लीजिए, आप कॉन्सेप्चुअल लीजिए, आप 500, 1000, 1500 रुपये में, तो यहाँ तक आपका जो वेरियंस जाएगा 2000 मैक्सिमम, तो वहाँ से आपको कॉन्सेप्चुअल प्लान मिल जाएगा। आप सोचिए, आप 60 लाख रुपए जिस बिल्डिंग के ऊपर एक्सपेंड कर रहे हैं उस पर आपका ये 5000, 6000, 7000 रुपए तो आप दे ही सकते हैं, क्योंकि यदि घर बन गया 60 लाख का और वो आपके ड्रीम्स के हिसाब से नहीं हुआ तो आपको पूरी लाइफ वहाँ पर रहना है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये बोलते ना इकोनॉमिकल ही नहीं, मतलब पैसा ही मैटर नहीं करता है, मैटर ये भी करता है कि जिस चीज़, जैसे मान लीजिए आपने 2 रुपये खर्च किए कि आप ये चीज़ खरीद के लाएंगे और इसको देखेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। मान लीजिए आप मूवी देखने गए, आपने 3 आवर्स मूवी देखी और आपको वो अच्छी नहीं लगी तो आपका पैसा पानी में चला गया। तो ऐसा ही है कि आपको जब पता है कि आप पहले देख सकते हैं कि आपका घर कैसा बन के दिखेगा तो उसको क्यों नहीं ट्राई करना है। आप 60 लाख दे रहे हैं मूवी पे तो आप 300 रुपीस देते हैं, 200 रुपए देते हैं, जिसके लिए आप 15 दिन तक लोगों को बोलते हैं कि ये मूवी देखने जाना नहीं है आपको क्योंकि ये अच्छी नहीं है। तो आप जब अपना खुद का घर बना रहे हैं तो ये चीज़ तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है कि आप जिस लैंड में वर्क करने वाले हैं, मतलब जहां पे भी आप वर्क करने वाले हैं उसका आप सर्वे जरूर करिए। सर्वे करने से क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि आप जिस जगह पे बनाने वाले हैं एग्जैक्टली उसका डायमेंशंस क्या है। यदि आप नहीं कर रहे हैं, जो आप जिस कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं वो करे, आप बोलिए उसको कि सर्वे कंपलसरी आपको करना ही करना पड़ेगा, चाहिए आप तो इसका अलग से चार्ज भी ले सकते हैं या आप इंक्लूड कर लीजिए, बट ये एक्टिविटी कंपलसरी है। ऐसा क्यों, मान लीजिए आपने बोल दिया, आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है कि ये जो प्लान है आपका 30x40 का है या 32x42 का है, बट एक्चुअल में क्या हुआ कि साइड में प्लॉट्स बने हुए हैं और समहाउ वो आपका प्लॉट जो है 31x42.2 है या 3 है। तो क्या हुआ, आप जब वहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट कर लेंगे, जब कंस्ट्रक्शन के लिए जाएंगे तब आपका टाइम डिले हो जाएगा। तो ये डिले जो हो रहा है, ये डिले आपको कॉस्ट से कैसे बचाएगा। देखिए मान लीजिए आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं, यदि आपका प्रोजेक्ट 1 महीने डिले हो जाता है, 2 महीने डिले हो जाता है, तो आप अपना रेंटल जो है वो तो पे कर रहे हैं ना, तो वो चार्ज तो आपका बचेगा एटलीस्ट, और इनकम टैक्सेस में भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि यदि हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको ध्यान रख के हमारा पैसा बचाया जा सकता है तो उसको बचा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जब आप लोग प्लानिंग के लिए जाएंगे, तब जब कंसल्टेंट से आप बोलेंगे तो उससे बोलिएगा कि आपका जो प्लान है वो स्पेसियस होना चाहिए, मतलब क्लमजी नहीं होना चाहिए। अब क्लेमजी ना होने का जो रीज़न है वो आपको कॉस्ट कैसे रिड्यूस करेगा, स्पेसियस होगा तो कॉस्ट कैसे बचेगा, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि आपका छोटा छोटा पार्ट सब चीज़ निकाल दिया, जैसे आपका लिविंग रूम है, लिविंग और डाइनिंग अलग अलग कर दिया, बट यदि अलग करेगा तो उसमें वॉल देना पड़ेगा, और यदि वॉल है वहाँ पे तो स्ट्रक्चर में वहाँ पे बीम देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो वॉल है, बीम है, उसके बाद फुटिंग के ऊपर वो लोड जाएगा। कहने का मतलब है इनडायरेक्टली सभी चीज़ों में आपका वो अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा जिससे आपका स्ट्रक्चर का कॉस्ट बढ़ सकता है। तो जितना आपका स्पेसियस रूम रहेगा, जितना आपका प्लान स्पेसियस रहेगा, उतना ही आपके लिए बेटर है और इकोनॉमिकल भी है। तो इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करिएगा जब आप किसी कंसल्टेंट से बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करेंगे। तो बेसिकली लोगों का मानना है कि नहीं यार, ऐसा है कि प्लान तो हो गया है, अब इसके अंदर डिटेलिंग क्यों चाहिए, डिटेलिंग क्या रोल प्ले करती है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, यदि आप किसी कारपेंटर को लाते हो और बोलते हो कबर्ड बनाओ और आपका वॉल जो है वो प्लेन है, तो क्या होगा, वो बनाने के लिए जितना टाइम लेगा ना वो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगा कंपेयर देन यदि आप उसका इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं। चाहे तो आप खुद भी कर सकते हैं, मतलब आप जब कंस्ट्रक्शन जब प्लानिंग करवा रहे हैं किसी से तब उससे आप इनपुट डला सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है आप थोड़ा थोड़ा वॉल रखिएगा,
ये वॉल किस लिए है? ये वॉल फॉर आपका जो कबर्ड बनेगा उसके लिए वॉल्स चाहिए, और उसको बाहर से रैप कर दीजिए आप वुडन से। रैप करने के लिए तो आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा कंपेयर देन, आपको पूरा फुल मटेरियल भी यूज करना है तो मटेरियल का कॉस्ट और उसका लेबर चार्ज। और जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये वो काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को देंगे, तो वो कॉस्ट जो है आपका रेट, उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे ज़्यादा, लगेंगे बट मिनिमम अमाउंट होगा कंपेयर देन आपका कारपेंटर को बुला के करवाने से। तो वहाँ पे आप अपना कॉस्ट जो है बचा सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है अगले पॉइंट पे मूव करेंगे वो है कि ये पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट बहुत सारे कंसल्टेंट इसके लिए रिकमेंड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, कि वो क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि ये चीज़ करना आपके लिए ज़रूरी है। वो क्या है? वो है यदि आपका बिल्डिंग ये छोटा सा प्लॉट है तो ज़रूरत नहीं है, यदि आपका प्लॉट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इन द सेंस ऑफ आपका मोर देन 1500 स्क्वायर फिट, यदि आपका प्लॉट मोर देन 1500 स्क्वायर फिट है तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है, यदि आप दो फ्लोर के लिए मूव करते हैं तो वो आपका 40 लाख के आसपास हो जाता है। तो यदि आपका इतना कॉस्ट लग रहा है तो आप क्या करें, सॉयल टेस्ट के लिए मूव करिए। ये सॉयल टेस्ट के लिए मूव क्यों करना है मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। आजकल जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में केवल तीन ही पार्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पहला आपका कॉलम, दूसरा बीम, तीसरा आपका फुटिंग, और भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स से स्लैब हुआ, बट वहाँ पे जो है आपका ये तीन ही जो मेंबर्स हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं। तो हमको जब फुटिंग हम लोग नीचे डालेंगे तो वहाँ के जो सॉयल है उसका बेयरिंग कैपेसिटी कितना है वो हमें जानना होगा, क्योंकि सरफेस एरिया उसी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो एरिया ऑफ फुटिंग है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जनरल टर्म्स में बोल रहा हूँ, टेक्निकल नहीं जाता हूँ। तो आपका जितना अच्छा सॉयल होगा उतना वो फुटिंग का साइज जो है रिड्यूस होगा, आपका डेप्थ जो है कम होगा। तो कहने का मतलब है कि आप लोग सॉयल टेस्ट के ऊपर ज़रूर मूव करिए, और टाइप ऑफ फाउंडेशंस भी आ जाते हैं जब आपका पता चल जाएगा कि नहीं यहाँ पे तो पाइल का ज़रूरत ही नहीं है, हमारा सॉयल बेयरिंग कैपेसिटी तो इतना है तो हम लोग पाइल के लिए क्यों मूव करेंगे। बट आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, और आप तो अपना जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव, इकोनॉमिकली मटेरियल्स को यूज करिए। अब इकोनॉमिकल मटेरियल्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए मैं एक ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पे फ्लाई ऐश ब्रिक का जो रेट है कंपेयर देन रेड ब्रिक सस्ता है, तो हम लोग को फ्लाई ऐश यूज करना है, क्योंकि जो ब्रिक वर्क है वो हमारा केवल रोल प्ले करता है फॉर प्राइवेसी। आप लोगों को एक हमारा वीडियो भी है प्रीवियसली, आप जा सकते हैं और देख सकते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, वहाँ पे बताया गया है कि ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में क्या रोल है, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, वो वहाँ पे डिस्कस किया है। हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो को डाल देंगे। तो बेसिकली जो है आपका, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो इकोनॉमिकल मटेरियल होने चाहिए। तो इकोनॉमिकल इन द सेंस ऑफ, जैसे आपका ब्रिक है, यदि आपका कहीं पे फ्लाई ऐश ब्रिक सस्ता मिल रहा है और कहीं पे रेड ब्रिक सस्ता मिल रहा है, तो जहाँ पे जैसा ब्रिक सस्ता मिल रहा है उसको हमको यूज करना है। और क्या हो सकता है, हम लोग नए मटेरियल्स के ऊपर भी मूव सकते हैं, जैसे हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक के ऊपर भी है डबल एसी ब्लॉक जिसका लाइट वेट होता है। अब लाइट वेट आपको कैसे इफेक्ट करेगा, लाइट वेट स्ट्रक्चर जो है आपको कैसे इफेक्ट करेगा? तो लाइट वेट स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए आपका वॉल का लोड जो था वो मान लीजिए आपका 10 था, अभी यदि आप लाइट वेट ब्रिक यूज करेंगे तो वो लोड जो है आपका कम से कम 50% से भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, 50% से भी ज़्यादा। तो आप बताइए आपका बीम का जो रॉड है जो आप उसमें रेनफोर्समेंट देंगे वो रॉड रिड्यूस हो जाएगा, और आपका जो ये जो मटेरियल चूजिंग है ये पहले ही हो जानी चाहिए, मतलब जब आप कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं तो उस टाइम पे ये जितने भी आप मटेरियल यूज करने वाले हैं बता देंगे, क्योंकि डिज़ाइन जब होता है उसी टाइम पे उस चीज़ को ध्यान रख के होता है। यदि आप बाद में सोचेंगे और आपने बीम डाल दिया है तो कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा उस चीज़ का, कि आप लोग इसमें कौन सा ब्रिक लगाने वाले हैं। जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसी टाइम पर आप डिफाइन हो जाइए कि आपको किस टाइप का ब्रिक यूज़ करना है।
तो अभी हम लोग एक ब्रिक का एग्जांपल लिए, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं और इसके ऊपर हम लोग वीडियोस भी और बनाएंगे जिसमें आप जान सकते हैं कि इकोनॉमिकल मटेरियल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। आपका जो आप रॉड यूज़ कर रहे हैं या जो आप कंक्रीट यूज कर रहे हैं, वो दोनों चीज़ें हाई स्ट्रेंथ की होनी चाहिए। हाई स्ट्रेंथ इन द सेंस ऑफ जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं मटेरियल्स, वो हाई स्ट्रेंथ के होंगे तो क्या होगा कि आपका जो साइज़ है वो रिड्यूस होगा और आपका नंबर ऑफ रॉड है वो रिड्यूस होगा। उससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्चर वो इकोनॉमिकल मूव करेगा क्योंकि आपका लोड फिक्स हो गया है। अभी क्या हो रहा है, आप जैसे मान लीजिए मार्केट में Fe 500 रॉड प्रेजेंट है और मार्केट में Fe 550 भी प्रेजेंट है, अभी जो है आपका Fe 600 भी प्रेजेंट है। तो आप यदि Fe 600 यूज करते हैं तो आपका कंपेयर देन Fe 500 आपका कम रॉड यूज होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है कंपेयर देन Fe 500 से। तो वहाँ पे आप इकोनॉमिकल अपने आप को फील कर सकते। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। और भी आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली मूव करना चाहते हैं तो हम लोग नेक्स्ट फेज पे जाएंगे। जैसा कि आपको बताया था, सेकेंड फेज़ आपका है कंस्ट्रक्शन फेज़ और थर्ड फेज़ है आप यूटिलाइजेशन, आप कैसे से यूटिलाइज कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, क्या क्या मटेरियल का सिलेक्शन करना आपको पहले से इम्पॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर भी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, स्टे ट्यून, बाय बाय।